हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं शिल्पी सिंह और मैं आज आपको बताऊंगी कि रोज वाटर कैसे यूज करते हैं, उसको इसको इसको अप्लाई करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये रोज वाटर यूज करती हूँ, आप देख सकते हो ये IMC की रोज वाटर है, ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट है और मैं ये यूज करती हूँ। और मात्र आप सुनकर बहुत हैरान होंगे कि मात्र एक सप्ते में मैं इसका रिजल्ट जान चुकी हूँ। एक सप्ते में मेरा इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। मात्र एक सप्ते मैंने यूज किया है, अपने फेस पे आप देख सकते हो, मैंने इसे एक सप्ते ही यूज किया है और मैंने सोचा कि आपके साथ मैं इसके बारे में आपको शेयर करूँ। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो इसको अच्छे से, और देख लीजिए ये न्यू ही है, मैंने एक सप्ते ही यूज किया है और ये फर्स्ट टाइम। मैं रोज वाटर यूज नहीं करती थी क्योंकि मुझे मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट उसमें थोड़ा ब्लीव मतलब होता है ना, ये नहीं है। और जब मैं भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ ना, तो उससे पहले जानकारी पूरी ले लेती हूँ, पूरा नॉलेज ले लेती हूँ कि वो मेरे लिए सही है या नहीं। तो दोस्तों, मैं भी आपको यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी आप फेस पे अप्लाई करते हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो ब्यूटी किट्स क्यों ना हो, फेसियल किट कुछ भी हो, तो आप इससे क्या करोगे कि आप उसके बारे में जानकारी लो तो अप्लाई कीजिए। मायने ये नहीं रखता कि आप रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप कौन सा रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नहीं, केमिकल प्रोडक्ट है क्या, ये आपको आपको जानकारी लेना होगा। ब्यूटीनेस का मतलब क्या होता है कि आपको अगर ब्यूटी चाहिए तो आप प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हो ना, उसको पहले आप जानिए कि मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, मेरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो दोस्तों, तो उसे आप पहले जानकारी ले, उससे क्या है मेरे लिए, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगी किसका क्या क्या यूजेस है। हेलो, ये रोज वाटर का क्या क्या यूजेस है मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो दोस्तों, रोज वाटर का पहले यूज हम लोग करते हैं क्लींजर, एज ए क्लींजर के रूप में। तो हम लोग को जैसे कहीं से भी आए हो, कहीं से भी आए हो या घर पे भी हो, अगर मॉर्निंग नाइट, ऐसे तो मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी मेकअप किट हो तो आप उसको रात में अप्लाई करें। रात में अप्लाई करने से, नाइट में अप्लाई करने से क्या होता है कि वो ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। वो उसके जारे जितनी भी क्वालिटी थे, रात में बहुत अच्छे से अगर रात में अगर लगाते हो तो उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं और सुबह आप उसके रिजल्ट आप देख सकते हो। रात में अप्लाई कीजिए, आप फेस देखिए, आपको सेकेंड नाइट में आपको मॉर्निंग में नज़र आएगी कि आपके फेस कितना ग्लोइंग नज़र आ रही, बहुत ही अच्छी एकदम खूबसूरत। आप खुद देख के बोलेगी ऐसे हो कैसे गया, अचानक अमेजिंग मतलब कि लगेगा ऐसा। तो आप एक बार रात में जो भी फेस पैक यूज़ करते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो उसमें रात में ही आप यूज़ कीजिए दोस्तों, मेरा ये एडवाइस रहेगा। और आप इसे करके आप मेरे को बता भी सकते हैं इसका रिजल्ट कैसा आया। मैंने यूज़ किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस को बता रही हूँ कि रात में जो ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करने से बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं दोस्तों। चलिए, तो मैं बताना चाह रही थी आपको कि एलो रोज वाटर जो है वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। तो इसका यूज़ है एज ए क्लींजर के यूज़ में कर सकते हैं आप। एक कॉटन के, एक छोटा सा कॉटन रुई ले, उसमें क्या करें, गुलाब जल से भिंगो दे, उसके बाद फेस पे अप्लाई करें। उसके बाद एक सूखा कॉटन ले, ठीक है, वो तो आप यूज़ कर लिए। उसके बाद चेहरे में आप पूरा रोज़ वाटर अप्लाई कर लिए। उसके बाद एक छोटा सा रुई लीजिए, उसके बाद उसको क्या कीजिए, हल्के से वाइप कीजिए कि वाइप करने से क्या होगा, फिर आप रूई में जब देखोगे तो बहुत सारे डस्ट नजर आएंगे, उससे क्या होगा आपका फेस क्लीन हो जाता है। क्लीन तो होता है दोस्तों, उसके बाद जो आपके फेस में ग्लोइंग आती है, एक अलग सी ग्लोइंग फेस पे नजर आती है। और दोस्तों, ये हो गया क्लींजर। आप एक आप रोज वाटर का एज ए मेकअप सेटिंग जो होता है वो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको कहीं पे आप पार्टी पे जानी है तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि जैसे लॉन्ग लास्टिंग तक आपको मेकअप रखनी है, ओके, पार्टी पे जा रहे हो तो ये तो उसमें लॉन्ग टाइम तक थोड़ा रहना पड़ता है, थोड़ा फ्रेंड लोग के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो उस समय क्या होता है मेरी मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। लड़कियों लोग को तो ज़्यादा ही, उन लोगों का मेकअप थोड़ा ज़्यादा देर तक रहे तो उनको अच्छा लगता है। तो दोस्तों, तो मैं बताऊंगी इसे क्या होता है कि मेकअप करने से पहले आप इसको अप्लाई कीजिए फेस पे, उसके बाद इसको सूखने दें। आप एज ए रोई के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया वैसे। तो उसे क्या करना, वाइप नहीं करना है, ठीक है, उसे वाइप नहीं करना, उसे सूखने दें। पहले फेस वॉश कर लें, उसके बाद रोज़ वाटर का अप्लाई करें और रोज़ वाटर को ड्राई होने दें।
ड्राई होने दें। उसके बाद जो आप फेस पे कोई भी फेस जो भी फेस फेस मेकअप की जो भी यूज़ करते हो सब कीजिए। उसके बाद जो आप करोगे तो वो आपके लॉन्ग लास्टिंग तक रहेंगे और फेस में एक अलग ग्लोइंग आएगी, वो भी लॉन्ग टाइम तक। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड इसका यूजेस क्या है कि आप आपके जो हेयर है वो ड्राई हो, बहुत सूखे हुए हैं, पूरा अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इसका लुक ही अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों देखिए, गर्ल्स का जो हेयर होता है, हेयर से ही उसकी ब्यूटीनेस नजर आती है। तो दोस्तों उसको क्या करना है कि उस हेयर पे हमको स्प्रे करना है रोज़ वाटर, उसके बाद उसको काम कीजिए हल्के से। उसके बाद देखोगी थोड़े देर के बाद, 5-10 मिनट के बाद आपके बाल में एक अलग सी शाइनिंग आने लगेगी, बहुत ही अच्छे आपके बाल दिखने लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत। तो ये हो गया थर्ड। और फोर्थ इसका यूज है कि आप अगर बात कर रहे हो, नहाने के लिए जा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि 1 से 2 चम्मच एलो रोज वाटर ले, उसके बाद उसमें डाल दी पानी में और उसके बाद बात करें, नहाएं। उसके बाद जब 10 मिनट के बाद देखोगे कि आपके, हाँ मगर ये बात है कि आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तभी इफेक्ट आएंगे। ठीक है, अगर आप 1-2 दिन करोगे बोलोगे इसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप रोज़ इसको अप्लाई करोगे तभी रिजल्ट आएंगे। एक दो दिन से कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। आप देख सकते हो, स्टडी करते हो कुछ चीज़ की, तो उससे अगर कंटिन्यू करते हो तो रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते, वैसे ही होता है। ये आप अपने बॉडी के लिए कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू कोई भी प्रोसेस हम लोग करते हैं तो रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा, नहाने के पानी में 2 चम्मच डालकर नहाने से क्या होगा, आपकी बॉडी एक अलग सी ग्लोइंग आएगी और एक अलग सी सॉफ्टनेस आपके बॉडी पे नजर आएंगे। आपको देख सकते हो उसको, एक बटर होता है ना, बटर उस टाइप से आपकी बॉडी को बॉडी लगने लगेंगे, देखने में बहुत ही सुंदर लगने लगेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खुशी होगी कि हाँ मेरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है ये करने से। तो ये आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। और हाँ, 5 यूज़ इसका मैं बताऊंगी कि आप एक फेस पैक यूज़ करते होगे तो आपको यूज़ करने के बाद आपके फेस ड्राई हो जाते हैं। तो दोस्तों आपके कोई सा फेस पैक यूज़ करते हो तो उसमें आप क्या कीजिए, गुलाब जल 1 से 2 चम्मच डालकर यूज़ करने से क्या होता है कि आप यूज़ करते फेस पैक उस पर उसके बाद जो ड्राइनेस फेस पे आती थी ना वो नहीं आएगी, और वो तो नहीं आएगी, प्लस कि आपके फेस पे एक अलग सी ग्लोइंग आएगी दोस्तों। ये आपके हो गए रोज़ वाटर के यूजेस कहाँ पे करनी है। अब मैं इसके बेनिफिट बताऊंगी कि इसके यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो फेस पे तो आपकी स्किन हमेशा एक ग्लोइंग बनी रहेगी, चेहरे पे एक अलग सा लुक लगेगा, आपको देखकर भी बहुत कोई पूछने लगेंगे कि क्या यूज़ करते हो यार, बहुत ही अच्छा तुम्हारा चेहरा है। मगर हाँ, मगर ये जो यूज़ कर रहे हो वो प्रोडक्ट एक अच्छा होना चाहिए, एक ब्रांडेड, एक अच्छे से होने चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो दोस्तों। हो गया, ये आपको हो सकता है ये आप यूज़ करें। अगर किसी के फेस पे डार्कनेस है, चाहे आँख के नीचे डार्कनेस हो जाती है ना, वो है, तो वो एलो इसका ये रोज़ वाटर का यूज़ करते हैं तो उसको डार्कनेस ख़त्म हो जाती है। अगर किसी के फेस पे पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, अगर वो रोज़ वाटर का यूज़ करते हैं तो दाग धब्बे हमेशा के लिए वो चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, वो दाग धब्बे बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका बेनिफिट। और मैं बता दोस्तों, तो रोज़ वाटर यूज़ करने से फिर आपकी जो स्किन है वो कभी डार्कनेस नज़र नहीं आएगी। आप कोई सा भी स्किन में इसको यूज़ कर सकते हो। आपके जब ये यूज़ करोगे तो आपके जो फेस ड्राई हो जाते थे, ड्राइनेस दिखते थे, वो नहीं दिखेंगे दोस्तों। अगर इसको आप फेस पे रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएंगे, एक अलग सी ग्लोइंग नज़र आएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो, छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें दोस्तों। जो भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और तो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।